स्टूडेंट, हमने सरफेस वाटर का बात किया था अगले लेक्चर में। नाउ वी विल फोकस इन द ग्राउंड वाटर। अभी ग्राउंड वाटर अगर आप देखने जाओगे तो जो बारिश होता है, अगर बारिश में भी मतलब ऐसे होता है कभी कभी बहुत फास्ट रेन होगा, तो फास्ट रेन होगा ना तो वो पानी है वो इट विल नॉट सीप इन टू द ग्राउंड। अगर धीरे धीरे बारिश हो रहा है तो वो पानी है धीरे धीरे करके सीप होगा ग्राउंड के अंदर, और वो आपका सीप इनटू द ग्राउंड, वो आपका ग्राउंड वाटर बन जाएगा। ओके, अभी आपको पता है कि हमने आगे जो देखा था सरफेस एरिया का, तो वहां पे जो बारिश का पानी आता है वो ऊपर जो हमको दिखाई देता है वो, और दूसरा उसके अंदर आप चले जाओगे तो आपका ग्राउंड वाटर आ जाएगा। अभी इंडिया में ग्राउंड वाटर आप देखने जाओगे तो सब जगह पे सेम नहीं होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, उसको क्लाइमेट इफेक्ट करता है, टोपोग्राफी इफेक्ट करता है, ये सब चीजें उसके अंदर इफेक्ट में आती है। और आपका सब सरफेस जियोलॉजी तो ग्राउंड वाटर जो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर जाता है, ओके, और पर्टिकुलर एरिया में जहां पे पोरस स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल होते हैं या सैंड होती है, वहां पे ये वाटर है वो रिजर्व रहेगा। फिर आप वो पता है मतलब हम जो ग्राउंड के अंदर वो हैंडपंप के लिए मतलब वो जो मशीन से हम ड्रिलिंग करके वो करते हैं, ठीक है, तो उससे हमको पानी फिर मिलता है। तो भारत में वो कितना यूज होता है तो के 400 किलोमीटर क्यूब वाटर, ग्राउंड वाटर इज यूज्ड। ओके, क्योंकि बारिश का पानी तो हम ज्यादा सेव नहीं कर पाते हैं, हमारे पास डैम्स और इतने सारे नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यूज ज्यादा है, लेकिन पानी का जो हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए वो कम है। तो एट मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे ये ग्राउंड वाटर का भी एक सरफेस एरिया होता है कि भाई कोई मतलब आप ये अगर आप इसका लैंड को देख लो तो 100 फीट पानी आपको मिल जाएगा। ओके, कहीं कहीं पे 200 तक जाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे और डीप जाना पड़ेगा। तो ये आपका ग्राउंड वाटर का लेवल हो गया। सब जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जब हमारे पास पानी का किल्लत होता है तो हम इस तरह से वाटर का यूज करते हैं। ओके, थ्रू अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स, समटाइम वी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ऑल्सो इन द फील्ड। अभी एक्वीफायर की बात हो रही है, तो ये एक्वीफायर मतलब ये मैंने जो आपको लिख के दिया है वो कि भाई ग्राउंड के अंदर एक अलग एक एरिया में जहां पे पानी होता है, इट इज योर एक्वीफायर। एक्वीफायर डीप एक्वीफायर भी होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, बहुत डीप तक जाता है तो वहां से आपको पानी खींचना पड़ेगा। कहीं कहीं पे सरफेस एरिया में आपको मिल जाएगा, मतलब सरफेस एरिया के नीचे से ग्राउंड में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यू विल गेट द वाटर, बट इट विल बी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह पे सेम नहीं होता है। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट माउंटेन और हिली एरिया की आप बात करोगे तो वहां पे आपको एक्वीफायर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब जगह पे पत्थर होता है तो पानी कहीं पे स्टे नहीं कर पाएगा। तो मे बी पॉसिबल अगर वहां पे कोई रिवर होती है तो उस तरह से वो आप पानी का यूज कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड वाटर ज्यादातर आपको प्लेन एरिया में पाए जाएंगे। ग्राउंड वाटर यूजुअली इज फाउंड इन प्लेन एरिया में, आपको ग्राउंड वाटर ज्यादातर मिलेगा, लेकिन मे बी पॉसिबल
उसका सरफेस एरिया होगा वो कहीं पे बहुत डीप होगा एक्वीफायर, कहीं पे आपको सरफेस में मिल जाएगा। ओके, अगर कोस्टल रीजन की आप बात करोगे तो कोस्टल रीजन में आपको पानी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर एक्वीफायर का यूज करने जाओगे देन ऑल्सो यू विल गेट इजीली वाटर इन द कोस्टल एरिया, लेकिन माउंटेन और हिली एरिया में आपको वो सुटेबिलिटी होती नहीं है। ओके, ये मोस्टली लिमिटेड है प्लेन्स के लिए, आपको ये याद रखना है कि इन द प्लेन यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ वाटर। नाउ इन पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया द अंडरलाइंग जियोलॉजी लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कंटिन्यूअस एक्वीफायर, एज ए रिजल्ट द ओवरऑल यील्ड पोटेंशियल इन दिस रीजन इज लो। आप अगर पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में देखने जाओगे तो सब जगह पे आपको ऐसा पानी मिलेगा नहीं, कुछ कुछ जगह पे ही मिलेगा। तो ओवरऑल आप देखने जाओगे तो पानी का जो मतलब ओवरऑल हमको जो मिलना चाहिए वो बहुत लो होता है, आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। माउंटेन एरिया, हिली एरिया, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कोस्टल रीजन में आप आराम से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ओके, गंगेटिक प्लेन की बात अगर हम करें तो यहां पे 2000 किलोमीटर में वो फैला हुआ है, सेंट्रल एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया जहां पे ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बेस्ट है और आप इसका आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन ग्राउंड वाटर में आपको हाईली वेरिएबल मिलेगा, उसका रीजन ड्यू टू हाईली वेरिएबल नेचर ऑफ क्लाइमेट ग्राउंड वाटर हैज बिकम ए पॉपुलर अल्टरनेटिव फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर यूज अक्रॉस इंडिया। अभी जो पानी का जो बारिश का पानी अगर सेव कर सकते हैं तो वो वाले लोग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन उसका यूज करेंगे। अगर हम मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखोगे तो पानी को सेव नहीं किया जाता है, वो पानी बह जाता है, ओशन में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड वाटर जो प्लेन में ज्यादा पाया जाता है तो उसका यूज आप हाउस होल्ड में और एग्रीकल्चर में, आप डोमेस्टिक ज्यादा डोमेस्टिक में यूज करते हैं, ये मतलब बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हमको हमारे पास है। एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर इतना एसेसिबल है, मतलब आराम से मिल जाता है कि लोकल पीपल है वो उसका यूज थ्रू ग्राउंड वाटर ही करते हैं। आप यहाँ अमरेली का देख लो तो हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जहां पे हमने पानी सेव करके रखा हो। ओके, तो ज्यादा जो पॉपुलेशन वाले एरिया तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये ग्राउंड वाटर का रह जाता है और उसका हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखी, एक सरफेस एरिया वाटर देखा हमने और एक ग्राउंड वाटर एरिया देखा। ओके, टुमोरो वी विल सी द लगून्स एंड बैक वाटर। ओके, थैंक यू।